तो आज हम लोग मैथमेटिकली मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसे? हमारे पास एक चैप्टर होता है रिलेशन एंड फंक्शन। हमारे पास एक चैप्टर होता है रिलेशन एंड फंक्शन। तो मान लो कि हम दो नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं, एक का नाम रख देते हैं चाइल्ड सेट और एक का नाम रख देते हैं हम लोग मदर सेट। ठीक है, ये चाइल्ड सेट है और ये मदर सेट है। एक और हम लोग चाइल्ड सेट ले लेते हैं और एक और हम लोग मदर सेट ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया, दो सेट ले लिया, दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, एक चाइल्ड सेट है और ये मदर सेट है। अब मान लो कि चाइल्ड वन, चाइल्ड टू और चाइल्ड थ्री, और यहां पर मदर वन है। ये तीनों ही बच्चे, इनको मां बोलती है, एम वन को मां बोलते हैं, ये तीनों बच्चे एम वन को मां बोलते हैं। यस, ये संभव है, पॉसिबल है, तीन बच्चे की एक मां पॉसिबल हो सकती है। तो हम इसको बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। और ये जो है फंक्शन, यहां वर्ड आया, इसका मतलब ये फंक्शन है। ये दोनों सेट आपस में एक दूसरे से फंक्शन में कनेक्टेड है, फंक्शन से कनेक्टेड है। सी सेट और एम सेट एक दूसरे से फंक्शन है, एक दूसरे फंक्शनली कनेक्टेड है। ठीक है, अगर ठीक इसी का ऑपोजिट अगर हम एक बात करें कि यहां पर चाइल्ड एक रहे और मदर यहां पर एक दो तीन, एम वन एम टू और एम थ्री। अब ये चाइल्ड इसको भी मां बोल रहा है, इसको भी मां बोल रहा है, इसको भी मां बोल रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक चाइल्ड के तीन तीन मां हो, फिर भी वो बच्चा मां बोल रहा है। तो हो सकता है कि वो उसकी बड़ी मां होगी, उसकी मंझली मां होगी और उसकी छोटी मां होगी, है ना। ये बड़ी मां होगी, इसका मतलब मां तो है लेकिन वो रिलेशन में मां है, और वैसे भी मां तो मां है, और ये जब रिलेशन में मां है इसका मतलब ये दोनों के बीच, सेट के बीच जो है वो रिलेशन है। क्या है? फंक्शन नहीं बल्कि रिलेशन है। मां तो वैसे मां होती है, चाहे मेरी मां हो चाहे आपकी मां हो। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।